मधुपुर महाविद्यालय सभागार में युवा सदन के बैनर तले स्वास्थ्य शिविर एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रत्नाकर भारती की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मधुपुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष फयाज केसर, अनुमंडल स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉक्टर दिलीप मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर माल्यार्पण कर किया गया। उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रत्नाकर भारती ने छात्र छात्राओं को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित पानी का सेवन करना चाहिए, समय पर सोना एवं जगना चाहिए, व्यायाम एवं टहलना बहुत ही जरूरी है। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान मोहम्मद शाहिद ने कहा कि युवाओं को नशा से दूर रहना चाहिए, तभी हमारे देश का विकास हो सकेगा। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष फैयाज केसर ने महाविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण के सुधार के लिए प्रभारी प्राचार्य को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा, स्वस्थ समाज ही देश का निर्माण कर सकता है। दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर भरत प्रसाद ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से जांच करानी चाहिए और किसी भी बीमारी को अनदेखा नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम का मन संचालन वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष रंजीत कुमार प्रसाद के द्वारा किया गया। उन्होंने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से शपथ दिलाई कि हम लोग नशा मुक्त मधुपुर और नशा मुक्त भारत का निर्माण करेंगे। कार्यक्रम में मधुपुर महाविद्यालय की अनीता गुहा हेम्ब्रम, डॉक्टर उत्तम शुक्ला, शिवनंदन राय, तबस्सुम अंसारी, विजेंद्र तूरी, उमर बंटी, डॉक्टर महफूज आलम, स्वास्थ्यकर्मी मीरा कुमारी, दिलीप कुमार, चांदनी कुमारी, अशोक हेम्ब्रम, संदीप कुमार, प्रेमलाल हेम्ब्रम, प्रभात ओझा, राकेश वर्मा आदि उपस्थित थे। इससे मेरा आग्रह होगा, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अनुशासन के साथ बैठकर और हमारे जितने भी डॉक्टर साहब ने जो बात आपके सामने रखी, हमारे प्रतिनिधि साहिब जी ने रखा, भरत साहब ने भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया और हमारे प्रभारी प्रचार आपके सामने भी आप तमाम लोगों को जन के बारे में समझाया। बहुत ज़्यादा नहीं समय लेंगे, मैं ये कहना चाहूँगा कि कार्यक्रम के बाद आप तमाम लोग साथ ही साथ इस तरह का मैं उमर बंटी जी या तमाम आप जो हमारे नौजवान यहाँ साथी हैं, छोटे भाई हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि सामाजिक स्तर पे जो समाज को सुधारने का जो काम हो उसको किसी न किसी पैनल के तले एक अच्छा काम करते रहना चाहिए ताकि अनुशासन बना रहे।